The order of the Election Commission of Pakistan, dated 1st of March 2024, is declared to be ultra vires the Constitution without lawful authority and of no legal effect. It is declared that the lack or denial of an election symbol does not in any manner affect the constitutional and legal rights of a political party to participate in an election, whether general or by, and to field candidates, and the Commission is under a constitutional duty to act and construe and apply all statutory provisions accordingly. बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमती जमातों का दो तिहाई अक्सरियत के ख्वाब चकनाचूर। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बतौर जमात तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासब से फैसला सुनाया। 17 सफहात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला कलदम। पीटीआई को 15 रोज़ में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान ख़त्म होने से किसी जमात की शिनाख्त ख़त्म नहीं होती। पीटीआई के मंतखब रकीन को आज़ाद या किसी और जमात का रुकन करार नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के हसूल की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फैजी सर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। पीटीआई अरकान को निकाल कर फैसला दिया, दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करें। माय रीड जस्टिस जमाल खान मंदोखेज ऑर्डर विथ विच आई एग्री फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर वी डिस्पोज ऑफ दीज अपील्स पिटिशंस एंड मिसलेनियस एप्लीकेशंस थ्रू ए शॉर्ट ऑर्डर एज अंडर। These matters involve a controversy regarding the allocation of seats reserved for women and non-Muslims. The Sunni Ittehad Council (SIC) did not contest the general elections of the year 2024. SIC, which demands allocation of reserved seats on account of inclusion of independent parliamentarians in it, did not secure a single seat in the National Assembly. चीफ जस्टिस काजी फैजीसा समेत 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस समीनुद्दीन, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट लिखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें नाकाबिले समाअत करार दीं। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट में करार दिया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मस्नूई अल्फाज का इस्तेमाल या इजाफा नहीं कर सकती। पीटीआई के किसी रहनुमा ने आज़ाद रुकन करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं चैलेंज नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, दीगर जमातों में शामिल होने वालों ने अवामी मंशा की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट फैसले से कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर गेम अहम हो गई। पीटीआई का 112 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान। तहरीक इंसाफ 29 अरकीन के साथ सेनेट की भी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। मुस्लिम नून के हुक्मरान इतिहाद को 209 अरकीन के साथ बढ़तरी हासिल रहेगी। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी तो अपोजिशन इतिहाद 120 अरकीन पर मुश्तमिल हो सकता है। पीटीआई इस केस में पार्टी नहीं थी। मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालतर है। इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्देअमल, हुक्काम के मुताबिक कभी नहीं कहा पीटीआई सियासी पार्टी नहीं, ना ही किसी फैसले की गलत तशरीह की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। 39 अरकान ने कागजात नामजदगी में किसी पार्टी का टिकट नहीं लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके ऊपर आर्टिकल 6
लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिलफौर मुस्तफी होना चाहिए, वजीर आजम खान ही होंगे इस मुल्क के। ये आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, कानूनी और सियासी तारीख में एक यादगार दिन हो। आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। जो ये चाहते थे कि सीटें हमसे छीन कर और हमें माले गनीमत के तौर पे बांट दें और आइन का हुलिया बिगाड़े आइनी तरामीम के जरिए, उनके इरादे आज पाश पाश हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इलेक्शन कमीशन मुस्तफी हो, पीटीआई का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट का हक और इंसाफ पर मबनी फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। पार्टी रहनुमा मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया अगले वज़ीर आज़म बानी पीटीआई होंगे। शिबली फराज ने कहा आज का फैसला पाकिस्तान की सियासी, अदालती और जमहूरी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सुलेमान अकरम राजा बोले आज हमने कानूनी जंग जीती, अब सियासी जंग भी जीतनी है। हमसे सीटें छीनने वालों के इरादे पाश पाश हो गए। हामिद रजा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्तफी होने का मुतालबा। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसको अक्सर परे कर दिया गया क्योंकि जो आइनी स्कीम है वो बहुत क्लियर है। ये एक ऐसा काम था जो कि वो सारे अराकीन असेंबली कर चुके थे, जो अब रिवर्स नहीं था हो सकता, इरिवर्सिबल था कि वो अपने डेक्लेरेशंस दे के पार्लियामान में बैठे हुए हैं और ये मुमकिन नहीं था उनके लिए। लेकिन जो बादी नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी से ज्यादा सियासी है। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई, दे पीटीआई को दिया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़ोर ने सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आईन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मुफाद में नहीं होते। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तला'आत अता ताड़ोर ने रद्देमल दिया, ये हो नहीं सकता किसी को बिन मांगे रिलीफ दिया जाए। अजमा बुखारी ने कहा लाडले की जे हो, केस सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीपल्स पार्टी MQM ANP की तनकीद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा पासदारी लाडलों की नहीं कानून की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इबहाम पैदा हुआ, फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं PTI को वो रिलीफ मिला जो मांगा नहीं गया था। अवामी नेशनल पार्टी ने रद्देमल दिया जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं, उसका फैसला कैसे किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जज्वी तौर पर तस्लीम करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम बतौर जमात नजर सानी अपील दायर नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान का ऐलान, जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अमीर हाफिज नईम रहमान कहते हैं फैसले से कुछ जमातों की दोरंगी भी आया हो गई, चंद जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खिलाड़ियों का मुख्तलिफ शहरों में जश्न, शुक्राने के नवाफिल अदा किए और दुआ की। पेशावर में PTI कारकुनान ने रैली निकाली, मिठाइयां तकसीम की और बानी PTI के हक में नारेबाजी की। दूसरी जानिब नून लीगी कारकुनान का इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे ब्लॉक करके एहतजाज। नंबर गेम इनकी बढ़ती है तो क्या ये पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाएंगे? जी मोहम्मद साहब, अगर हमारे पहले भी ये था, शुरू में भी ये था कि हम इतनी हमारी थी कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल लेते, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी MQM और PMLN इन तीनों के साथ हमने नहीं करना क्योंकि दे आर डायरेक्ट बेनिफिशरीज ऑफ मैंडेट को चोरी करने के, तो हम उनके साथ। पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा, PTI सेनेटर हुमायूं मेहमद ने दो टोक बता दिया। लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू करते हुए कहा मखसूस नशिस्त मिलने के बाद ऐवान में PTI अराकीन की तादाद ज्यादा हो जाएगी। शेर अफजल मरवत्की PTI की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल। उमर अयूब खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असद कैसर का शेर अफजल मरवत को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा।